नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोपाल। हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं फिश टिक्का। तो दोस्तों फिश टिक्का बनाने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए और क्या है रेसिपी, आज हम दिखाने वाले हैं इस वीडियो में। तो तब तक आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। हम बनाने जा रहे हैं फिश टिक्का। तो दोस्तों फिश टिक्का बनाने के लिए आप देख रहे हैं यहाँ पर है मिनिमम 6 kg फिश टिक्का। और ये मैरिनेशन के लिए हमें चाहिए यह है लेमन जूस, इसमें निकालेंगे लेमन का जूस। और ये है अजवाइन। और मसाला के लिए यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग व्हाइट सॉल्ट, कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर, जीरा पाउडर, ब्लैक सॉल्ट, यह हैंग कार्ड, कोरिएंडर वुड चॉप, जिंजर गार्लिक पेस्ट, कस्तूरी मेथी, एमडीएच चाट मसाला, यह मास्टर ऑयल और यह है होममेड गरम मसाला पाउडर। तो दोस्तों ये फिश टिक्का के लिए यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं मैंने ऑलरेडी पीस है। तो इसको फास्ट मैरिनेशन के लिए हमको सॉल्ट डालेंगे थोड़ा सा। और ये है जिंजर गार्लिक पेस्ट, जिंजर गार्लिक पेस्ट। और ये है लेमन का जूस निकाल। इसको डाल के हमने इसे मैरिनेट कर लेना है। ये अच्छा से मैरिनेट करके इसे मिनिमम हाफ एन आवर तक रखना है। जैसे इसका अंदर अच्छा से नमक, जिंजर गार्लिक और ये अजवाइन का फ्लेवर सब कुछ अच्छा से मिक्स हो जाए। इसका बनाने के लिए हमें चाहिए कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर। आप लोग चाहे तो कश्मीरी रेड चिल्ली पेस्ट यूज कर सकते हैं। और इसे कलर लाने के लिए आप लोग मास्टर ऑयल डाल सकते हैं, ठीक है। मास्टर ऑयल से कश्मीरी चिल्ली मिलाएंगे तो ऑटोमेटिकली रेड कलर आ जाएगा, नहीं तो कश्मीरी चिल्ली पेस्ट यूज कीजिए। चाहे तो आप लोग मास्टर ऑयल को गर्म करके कश्मीरी चिल्ली पे डाल सकते हैं तो ऑटोमेटिकली ये रेड कलर ही बन जाएगा। तो ये मैंने कश्मीरी चिल्ली का साथ मास्टर ऑयल मिक्स कर दिया, देखिए कैसे रेड कलर आएगा अच्छा से। तो इसको थोड़ा टाइम के लिए इसको रखना है। तो अब हम इसमें ऐड करते हैं ये है हैंग कर्ड। हम लोग देखते हैं और ये है सॉल्ट, स्वादिष्ट अनुसार जितना सॉल्ट चाहिए। और ये है कस्तूरी मेथी पाउडर। और ये है रोस्टेड जीरा पाउडर। और आप हम ऐड करने जा रहे हैं ये ब्लैक सॉल्ट। और ये थोड़ा सा चाट मसाला। नेक्स्ट अब हम ऐड करने जा रहे हैं इसमें 1 स्पून ऑफ गरम मसाला पाउडर। तो फिर इसको अच्छा से आपने मिक्स करना है। चाहे तो इस मसाला में भी थोड़ा जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें ऐड इसलिए नहीं कर रहा हूँ, ऑलरेडी मैं ऐड कर चुका है। तो ये मसाला ऑलरेडी रेडी हो चुका है। अब हम इसमें लाइटली ऐड करते हैं थोड़ा सा कोरिएंडर रूट चॉप। तो इस कोरिएंडर रूट चॉप डालने के बाद अच्छा से इसको मिक्स कर दीजिए। तो इस मसाला जब अच्छा से मिक्स हो जाए तो आप इसमें थोड़ा सा अपना जो सॉल्ट, स्वीट और सॉरनेस चेक कर लीजिए, क्योंकि दही रेसिपी थोड़ा सा खट्टा होता है। और ऑलरेडी मैंने मैरिनेशन का टाइम पर लेमन जूस ऐड किया हुआ है। और ये फिश टिक्का बेसिकली थोड़ा सा स्पाइसी रहने का, ये थोड़ा स्पाइसी और स्वीटर का, तो ये अच्छा से टेस्ट आएगा। तो अब हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं ये फर्स्ट मैरिनेशन किया हुआ। तो फिर इसको हमने अच्छा से मिक्स कर, इसे आपको अच्छा से मिक्स करना है। तो दोस्तों आप लोग देख रहे हैं एक पीस में ऑलरेडी मसाला मैंने डाल दिया। तो इसको मिनिमम हाफ एन आवर तक अच्छा से इसको मसाला पे सोक करके रखिए। उसका बाद अपना तंदूरी ग्रीस कीजिए, जो फिश्ती का जो टेस्ट वो आप लोग को ऐसे रेसिपी फॉलो करके आप लोग बताएंगे, कमेंट बॉक्स में जानेंगे जो फिश्ती का टेस्ट ठीक है।
और इसमें मच्छी को ऐसे ही आराम से लगाइए, नहीं तो अगर मच्छी कुछ हो जाएगा तो टूट के तंदूर में गिरने का संभावना रहता है। तो आप लोग थोड़ा ध्यान से लगाइए और आपने जो तंदूर में है अच्छा से गिर। तो अब हम इस फिश टिक्का को इस तंदूर पे अच्छा से ग्रिल करेंगे और तंदूर का टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए ढक्कन डाल के अच्छा से ग्रिल करेंगे, क्योंकि तंदूर का जो टेम्परेचर होता है वो 250 से लेकर 360 डिग्री टेम्परेचर का अंदर कुक करने का। और दोस्तों देख रहे हैं ऑलरेडी हमारा फिश हाफ डाउन हो चुका है। ये हाफ डाउन ग्रिल होने का टाइम पर अच्छा से थोड़ा बटर डाल के ग्रिल करेंगे। तो क्या होता है, जो तंदूर में गरम के चक्कर में जो स्मोकी फ्लेवर आता है तो फिश को जो खाने का टेस्ट वो और भी दूसरे मोड पे लेके जाता है। तो अच्छा ही होता है जो तंदूर में चारकोल ग्रिल्ड में जो स्मोकी फ्लेवर फिश टिक्का वो बहुत ही अच्छा होता है। तो आप देख रहे हैं हमारे फिश टिक्का रेडी हो चुका है, अब हम इसको अच्छा से प्लेटिंग प्रेजेंटेशन करेंगे। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा हमारा ये रेसिपी कैसा है। अगर ये रेसिपी आप लोगों को अच्छा लगा तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं। और मैं बताना चाहूँगा शेफ गोपाल के नाम पे एक ज़ोरदार लाइक हो जाए। तो दोस्तों हमारा ये फिश टिक्का रेडी हो चुका है, लेकिन मैं अपना होटेलियर दोस्त को बताना चाहूँगा आप लोग सेम ऐसे ही रेसिपी फॉलो करके अपना जो गेस्ट आएगा उसको अच्छा से सर्व कीजिए। तो दोस्तों देखें बहुत ही लाजवाब फिश टिक्का है। तो इसमें थोड़ा सा बटर अप्लाई कर देते हैं हमने और थोड़ा सा ऊपर से चाट मसाला डालते हैं। और दोस्तों फिश टिक्का रेडी हो चुका है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखने भूलना नहीं। देख रहे बहुत ही मस्त का लाजवाब फिश टिक्का है ये।